स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन या एल्जेब्रिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, पार्टीशन मेथड है, बहुत दो तीन टाइप के मेथड्स होते हैं। देन उसके बाद जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वहाँ पे जेकोबी मेथड आता है, गॉस आइडियल मेथड आता है, सो और भी मेथड है जहाँ पे वो इटरेटिव मेथड्स होते हैं वहाँ पे इटरेशंस लगानी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो मैं आपके सामने सबसे पहले बता रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड दोनों ही लगभग एक ही टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या फर्क है। एक बार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, या बोल रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लाइक न्यूटन ऑप्शन है, पाई सेक्शन है, रुगला फालसी है, देन सेकेंड मेथड है, इटरेटिव मेथड है, लाओ न्यूटन इंटरपोलेशन है, देन नॉर्मल लाइक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इन सब के वीडियोज़ यहाँ आई टेप पे अपलोडेड है, आप जाके आई टेप में जाके देख सकते हैं। प्लस स्टूडेंट यहाँ पे एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो मेरा टॉपिक है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो यहाँ पे हेल्प करेगा आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा पर फिर भी आप समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो भी आप आई टेप में जाके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे हम लोग, है ना। 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 4 है ना, यहाँ आएगा ये माइनस का 5 है ना। नाउ ये हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम 3 - 5 - 4 - 13 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू बी है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, जैसे हम रैंक निकालते थे वहाँ पे भी ऐसे लिखते थे 1 - 1 - 2 लाइक यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ जाएगी है ना, 3 - 4 - 5 फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 - 5 - 13। अब यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट मैं आपको स्टेप बता दूँ, सबसे पहले जब भी आप ये मेथड लगाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इन दोनों को जीरो बनाएं विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से आप जीरो बनाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 और 1 को जीरो बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस 1। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आर टू है तो क्या करें अपन लोग, R2 - R1 करें, R3 है तो क्या करें हम R3 - 3R1 कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा 1 - 1 - 2 - 3। नाउ इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो 3, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 है ना। नाउ इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और -5 - 11, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 - 9 दैट इज इक्वल टू -22, ठीक है। नाउ अब इसको जीरो बनाएंगे इसके हेल्प से, ठीक है ना। तो वैसे सीधा सीधा हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो आप, मैं सीधा तरीका समझा रहा हूँ है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 हो जाएगा है ना। मतलब R3 को मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई। वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो, उसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, प्लस का R2 कर दें है ना, इसको हम ऐड कर दें तो देखिए कैसे होगा, 1 - 1 - 2 - 3 है ना। नाउ ये आएगा 0, 3, 1 - 2 है ना। नाउ अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 3 से मतलब -3 - 3 क्या हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -33 और इसको ऐड करेंगे तो -32। देन आप इसको ऐड करेंगे तो 3 - 3 - -66 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा -64, क्लियर है ना। नाउ अब जैसे ही आपके यहाँ पे 2 0 लाइक हमारा पहली स्टेप तो ये होगी, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों तो जीरो बन ही गए, अब इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे, लाइक x - y + 2z = 3 है ना। नाउ ये हमारे पास आएगा 3y + z = 2 एंड देन माइनस का 32 - -64। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, तो आप देख रहे हो z की वैल्यू आपके पास 2 आएगी है ना, क्योंकि -32 डिवाइड होगा तो ये 2 आएगा। ये z की वैल्यू 2 उठा के आप यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी है ना।
ये वाई की वैल्यू जीरो यहाँ रखेंगे और जेड की वैल्यू टू रखेंगे फोर, और उधर गया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन आएगी। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू टू, है ना। ये हमारा आंसर आएगा। आप चेक करना चाहते हो कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई, तो यहाँ पर आप पुट करके देख लीजिए, जहाँ पर एक्स वहाँ माइनस वन रखिए, जहाँ वाई है वहाँ जीरो रखिए, जहाँ जेड है वहाँ टू रखिए, और बराबर क्या आ रहा है, थ्री आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये इसको इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो मेथड है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस टाइप के मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर गॉस एलिमिनेशन भी अप्लाई करूंगा और गॉस जॉर्डन भी अप्लाई करूंगा, जिससे आपको दोनों का डिफरेंस पता पड़ेगा कि गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस दिस एंड दिस बाय यूजिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को गॉस एलिमिनेशन से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको गॉस जॉर्डन से बताऊंगा, और दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले जो भी इक्वेशन आपको लिखी हुई है, कोशिश करें कि उस इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशियंट मिनिमम उसको ऊपर लिखें, तो लाइक एक्स प्लस फोर वाई, ताकि अपने को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, इज इक्वल टू 16। देन आपके बाद यहाँ आएगा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। देन आपके पास ये आएगा 3x प्लस 2y प्लस 3z, सॉरी 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 18, है ना। नाउ इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, कितना आएगा 1 4 9 2 1 1 देन 3 2 3, ये आएगा आपके पास x y z, और ये आएगा आपके पास 16 10 18, ठीक है। हाँ, इसको लिखेंगे हम ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, हम ए बी मैट्रिक्स लेंगे, है ना। तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे हम, है ना। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4 1 2 9 1 3 ... है ना। देन ये आएगा आपके पास 16 10 18। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे इसके हेल्प से, है ना। बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी, सो R2 माइनस 2R1 एंड R3 लिख लीजिए, R3 माइनस 3R1 लेंगे, ठीक है। नाउ क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ पे, है ना, 1 4 9, है ना 16, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 7 आएगा, है ना, 1 में से 8 गया तो। नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर गया तो 18 में से 1 गया तो माइनस का 17, है ना। नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो ये आएगा माइनस का 22। देन 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 12 में से 2 गया तो माइनस का 10, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 में से 3 गया तो माइनस का 24, एंड देन यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया सो 48 में से 18 गया तो 8, दैट इज माइनस का 40, माइनस का 30, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। नाउ अगली स्टेप में इसको जीरो बनाएंगे इसके हेल्प से। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मली तो बुक में क्या करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बनाएंगे, देन इसको माइनस करेंगे, पर मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ से इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस हो जाएगा, अपने आप जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे, R3 ये आएगा 7R3 माइनस 10R2, है ना। मतलब इसको 7R3 माइनस 10R2 करेंगे तो 70 और माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए आप लोग, 1 4 9 16, देन 0 माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 22, राइट। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 0, अभी इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, है ना। तो 7 को मल्टीप्लाई करते हैं R3 में, तो ये आएगा 0 माइनस का 70, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 और 14 × 2, है ना, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 14 × 2 = 16, है ना, माइनस का 168। देन ये आएगा माइनस का 210, है ना, माइनस का 10R2, दैट इज माइनस का 0 प्लस का 70, माइनस का 0 प्लस का 70, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 170, है ना, एंड देन इसको करेंगे तो प्लस का 220, है ना। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 0 0, एंड देन आपके पास 2, देन यहाँ से आपके वैल्यू आ रही है 10, है ना। वापस इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए तो क्या आएगा, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 16, देन माइनस का 7y माइनस का 17z इज इक्वल टू माइनस का 22, देन यहाँ पे आएगा आपके पास 2z इज इक्वल टू 10, तो आपके पास यहाँ से z की वैल्यू आएगी 5, ये z की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे तो देखिए आप क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ 5 रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा 85 उधर गया,
और 63 देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -9 आएगी, और y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 5 उठा के रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 7। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9 माइनस का, और z इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। तो इसी क्वेश्चन को गॉस जॉर्डन मेथड से करके बताएंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये वाला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। स्टूडेंट गॉस जॉर्डन मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आप गॉस एलिमिनेशन में इन दोनों को जीरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर जो सेकंड स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, यहां भी ये दोनों जीरो बन गए, अब फिर इसको जीरो बनाते हैं इसकी हेल्प से। पर स्टूडेंट यहां भी जीरो बनाएंगे ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम इसको और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। मतलब गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है ना। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, इन दोनों को जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, खत्म। पर गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, इन तीनों को भी जीरो बनाएंगे। लाइक यहां पर डायगोनल में इसको, डायगोनल मैट्रिक्स में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसी हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहां तक हम बिल्कुल सेम चले, एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। देन ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी इसकी, देन इन दोनों को जीरो बना दिया, अभी जैसे किया था वही, जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन उनके वही क्वेश्चन है यहाँ पे ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो क्या करेंगे, देखिए आप, मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा स्टूडेंट, R3 7R3 माइनस 10R2, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इस R1 में लगेगा। तो स्टूडेंट देखो R1 को करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 7 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, और माइनस प्लस है तो ऑब्वियसली इसको ऐड करेंगे ना। तो क्या होगा, देखिए आप लोग यहां पे ये आएगा 7R1 प्लस 4R3 4R2, है ना। तो ये इस तरह से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो इससे अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं, अभी वन बाय वन करते हैं, है ना। लाइक इसको नहीं कर रहे हैं अपन, तो ये एजीरीज लिख देते हैं यहां पे, है ना, 9 20, बीच वाली लाइन को एज इट इज लिख दिया। अब देखो R1 को सॉल्व करते हैं ना, तो लाइक 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 7, देन ये आएगा 28, देन आएगा 63, देन ये आएगा 4, है ना, सॉरी 2 और 7 112, है ना। नाउ प्लस क्या करेंगे, 4R2 करेंगे तो ये आएगा प्लस का 0, है ना, देन प्लस का सॉरी माइनस का 28, और ये यहाँ माइनस आएगा 28, है ना, 2 और 68, देन यहाँ पे हम इसको करेंगे तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे, ये 88, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस साइन लगा रहा है ना। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 7, ये आएगा 0, देन यहाँ पे बचा माइनस का 5, है ना, माइनस का 5 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है। देन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना बच रहा है स्टूडेंट, देखिए आप ये बच रहा है 2, है ना, देन 12, है ना, 12 माइनस 24 बच रहा है, देखो, है ना, क्योंकि 88 है तो 12 है, 12 और 12 क्या होगा, 24 बचेगा ना। अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, तो अभी इसको तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था, देखो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे हम इसको करेंगे, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, दें या ये वाला 7R3 माइनस 10R2, ये तो भी पहले वाले स्टेप में किया ही था, वही आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0 0, देन यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 2, एंड देन यहाँ से बचेगा आपके पास ये 10, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। अब आप क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आगे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे इस R2 को जीरो बना रहे हैं ना, तो देखिए सबसे पहले R1 को बनाते हैं, है ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दूँ, है ना। तो यह होगा यहाँ पे 2R1, है ना, प्लस 5R3, देखो जीरो हो रहा है ना, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखो इसको जीरो बनाना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, R2, है ना, R2 है तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2R2, और इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 17R3, है ना, ये यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 7, ताकि 34 हो जाए, अपना काम खत्म, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इधर देखिए आप अगली स्टेप में ध्यान दीजिए आप, है ना, R1 को चेंज करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14, मैं इसको कर ही देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14, देन ये 0, देन ये माइनस का 10, देन ये आएगा आपके पास 48। नाउ स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई कर इसको ऐड करेंगे R3 को, तो आएगा प्लस का 0, प्लस का 0, प्लस का 10 और प्लस का 50, बोलो सही है ना, है ना, इस तरह से करेंगे इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ध्यान दीजिए, ये आएगा 14, ये आएगा 0, ये आएगा 0, और ये आएगा आपके पास कितना आएगा 5498, है ना, इस तरह से, है ना। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको जीरो बनाएंगे, वही सेम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, तो 2 से करेंगे तो 0, माइनस का 14, देन 2 से करेंगे तो माइनस का 34, है ना, और ये आएगा तो माइनस का 44, है ना।
नाउ 17 से इसको करेंगे स्टूडेंट, तो प्लस का 0, प्लस का 0, प्लस का 34, एंड देन इसको 17 से करेंगे तो प्लस का 170, ठीक है। तो ये आएगा 0, देन माइनस का 14, देन ये आएगा 0, देन आपके पास ओ है ना, बिल्कुल ठीक है, ये आएगा, देन 44 से माइनस किया इसको 170 को, तो 170, देन ये आएगा 6, देन आएगा 126, आई थिंक 126 आएगा, है ना। नाउ ये आएगा आपके पास 0, 0, 2, एंड देन ये आएगा आपके पास 10, ठीक है। नाउ स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे अब इसको इक्वेशन बना के लिख दीजिए, तो ये आएगा 14x इज इक्वल टू 98, है ना, देन ये आएगा माइनस का 14y इज इक्वल टू 126, देन 2z इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट यहाँ से आप इसको डिवाइड करोगे, है ना, तो डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस का 9, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड में तो हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे 0 बनाते हैं, फिर यहाँ से 0 बनाते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में 3 0 यहाँ बनते हैं, 3 0 यहाँ बनते हैं, मतलब यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली आंसर दोनों से क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल मेथड्स का ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर जैकोबी मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और इन सब टॉपिक पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप मेरी लाइव क्लासेस वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। और कोई भी अगर लगता है आपको डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, मेरा नंबर है, आप उस पर अपना व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, प्लस कुछ बुक्स के लिंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो आप ग्रुप में भी अगर आप जुड़ना चाहें तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टूडेंट लास्ट में मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।